तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम तैयार हो चुके हैं। आदिवासी उस रेसिपी को अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बिना पानी का इस अंडे को उबालने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह से आदिवासी लोग इसका प्रयोग करते हैं, किन किन चीज़ों का, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये गोबर है जो कि गाय का मल होता है, और ये अंडा है। इसमें नमक इस्तेमाल करते हैं वो लोग, आदिवासी लोग, हरा मिर्चा और प्याज, बस इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए अभी इसको अंडे को किस तरह से बॉयल करेंगे, उसके लिए हमें चूल्हा बनाना होगा, जो कि हम रेडी कर चुके हैं चूल्हा को। और अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को दिखाने वाले किस तरह से ये बॉयल होगा और किस तरह से ये बनकर तैयार होगा। तो आप देख सकते हैं अभी कि ये गोबर है और क्या करना होगा वो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अंडा है, ये गोबर को इस तरह से चारों तरफ से अंडे को छुपा लिया जाता है, और इससे ही ये लोग, आदिवासी लोग, इस अंडे को इस तरह से बॉईल करेंगे और करते आ रहे हैं। और ये चूल्हा है, क्या क्या करना होगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। अभी इस तरह से रख लेते हैं और नीचे से ये लोग आग ही जलाते हैं ताकि अंडा जो है वो आगे की ताप से बॉयल हो जाए, और वो भी मैं आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ। और जब इसे होने में समय जो है वो ज़्यादा लगता है, क्योंकि इसमें हम लोग पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। आदिवासी लोग पहले बहुत ही कम पानी का प्रयोग करते थे और इस तरह से अंडे को बॉयल करते थे गोबर की मदद से, जो गाय का मल रहता है, और इसी तरह से बिना पानी का अंडे को बॉईल करके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अंडे गोबर का एक तरह नीचे का जो तरफ है वो पक चुका है, और दूसरी तरफ अभी उसे गोबर को अच्छी तरह से सुखाया जाएगा आगे की मदद से। एक तरफ जो है वो जलकर ठोस हो चुका है, और अभी दूसरी तरफ उसे आगे में दिया गया है ताकि दोनों तरफ जो है वो पक जाए और अंडा जो है वो बॉयल हो जाए। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो अंडा है ये बॉयल हो चुका है, तैयार हो चुका है। अभी इसे हम लोग उतारने वाले हैं, उसके बाद हम इसे इसके जो ऊपर का गोबर का जो परत है हम लोगों ने दिया था उसको हटाएंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि हमारा जो अंडा है वो बॉयल हुआ कि नहीं, पक कर तैयार हुआ कि नहीं। आप देख सकते हैं अभी इसे हटाया जा रहा है, उतार कर रखा जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। आप देख सकते हैं ये पककर तैयार हो चुका है। ये रहा बीच में अंडा, और आप देख सकते हैं अभी से अभी देखा जाएगा कि ये जो अंडा है ये पककर हमारा तैयार हुआ कि नहीं। इसी तरह से आदिवासी लोग अंडे को पकाकर खाते थे। देख सकते हैं अंडा जो है वो पूरी तरीके से बॉयल हो चुका है, पूरी तरीके से अच्छी तरह से पक चुका है। और इसमें जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, प्याज, हरा मिर्च और नमक दे करके